बच्चों, आप सभी को कहानी पढ़ने व सुनने का शौक होता है। आज हम एक आम की कहानी पढ़ेंगे। यह एक चित्र कथा है। चित्र कथा का मतलब होता है चित्रों के माध्यम से जो कहानी कही जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चित्र में एक आम का बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। उस पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं। राधा अपने भाई सोहन के साथ वहां पर खेल रही थी। खेलते खेलते उसकी नजर आम के पेड़ पर पड़ी। राधा को आम लेने की इच्छा थी। उसका मन आम खाने को हो रहा था, तो वह अपने भाई सोहन के पास जाकर आम के लिए बोलती है। तभी राधा का भाई सोहन गुलेल लेकर आता है। वह बार बार आम तोड़ने का प्रयास करता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सोहन आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर वो आम तोड़ने में सफल नहीं होता है। तभी वहां पर बैठा एक कौवा भी उसी आम को देखता रहता है। जब वह सोहन को देख रहा था कि वह आम तोड़ रहा है, वह सफल नहीं हो रहा है, तभी कौवा भी उड़कर उस आम को तोड़ने के लिए चला जाता है। तभी कौवा उड़कर अपनी चोंच से आम तोड़ लेता है और आम तोड़कर उड़कर जाने लगता है। जल्दबाजी में उड़ते उड़ते उसे ध्यान नहीं रहता है और वह पेड़ पर बने हुए मधुमक्खी के छत्ते से जा टकराता है। जल्दबाजी में वह टकरा गया और जो मधुमक्खी बैठी हुई थी वह कौवे के पीछे लग गई और कौवे के मुंह से आम गिरकर नीचे जमीन पर जा गिरा। आम कौवे की चोंच से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। जहां आम गिरता है, वहीं पर पास में राधा खड़ी होती है और वह जल्दी से आम को उठा लेती है। राधा अपने भाई सोहन के साथ बैठकर आम को खाती है। जिस तरह से पूरी कहानी में आपने देखा कि राधा के मन में आम पाने की इच्छा थी और अंत में आम उसी को मिलता है, इसी तरह आप सभी अच्छे मन से अच्छे मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अंत में आपकी ही सफलता होगी। गृह कार्य। प्रश्न नंबर एक, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न एक है, सोहन आम का निशाना लगाने के लिए क्या लेकर आया? जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा ही था, लकड़ी लाया, गुलेल या फिर रस्सी। इसका सही जवाब है गुलेल। प्रश्न नंबर दो, कौवा जल्दी में किससे टकरा गया? क, मधुमक्खी के छत्ते से। ख, घर से। ग, जंगल से। किससे टकराया था? मधुमक्खी के छत्ते से। प्रश्न नंबर दो है, सत्य और असत्य। राधा को पेड़ पर आम दिखाई दिया। राधा को आम दिखाई दिया था, राइट। सोहन आम तोड़ने के लिए लकड़ी लेकर आया। सोहन आम तोड़ने के लिए लकड़ी लाया था? नहीं, वह तो गुलेल लेकर आया था। तो इसका आंसर होगा गलत। प्रश्न नंबर तीन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, राधा के भाई का नाम क्या है? राधा के भाई का नाम क्या था? आपने कहानी में तो पढ़ा ही था, राधा के भाई का नाम सोहन है। प्रश्न नंबर दो, आम किसने तोड़ लिया था? आपने आम किसने तोड़ा था? उत्तर है, आम कौवे ने तोड़ लिया था। यह चित्र कथा आप सभी ने देखी और सुनी। आशा है कि आप सभी को यह कहानी अच्छे से समझ आई होगी। आपको जो गृह कार्य दिया गया है, आप उसे पढ़िए, समझिए और याद रखिए। धन्यवाद।